ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, देवघर की शानदार तस्वीरें थी, धनबाद वहां की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, दुमका की भी तस्वीर दिखाई। सवाल कई खड़े होते हैं। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर से हमारी संवाददाता लाला जवी ने लोगों से बात कर ODF स्कीम की हकीकत जानने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन पूरा काम नहीं किया जा रहा। शौचालय बनाए जा रहे हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, लिहाजा शौचालय बनाने का कोई तुक ही नहीं है। कुछ लोगों का यह भी दावा रहा कि सिर्फ 20% शहरी लोग ही शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, 80% लोग आज भी खुले में शौच जाते हैं। प्रधानमंत्री ने 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया था और मुख्यमंत्री ने झारखंड को 2018 के 2 अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त करने का अभियान छेड़ रखा था। उसी के तहत राज्य को यानी ODF घोषित कर दिया गया है। तो हमारे साथ बहुत सारे ऑडियंस हैं, उनसे जानते हैं कि कितना हद तक ये सही है। अगर वो राज्य में घोषित हो गया है तो उसका लोगों को सुविधा मिल रही है कि नहीं, उनसे जानते हैं। हाँ, ये बताइए कि क्या हद तक राज्य में जो ODF घोषित हो गया है वो सही है? देखिए, अभी तो कल ही का पेपर में हम पढ़े थे भास्कर में कि एक टीन में लेकर के गंदगी लेके जा रहे हैं, तो अब इसे जाहिर होता है कि वो किस तरह से अपना काम किए हैं, जबकि अभी तक गांव देहात में ही कोई शौचालय नहीं है, सब आदमी बाहर ही जा रहे हैं और गंदगी को सर पर लेके जा रहे हैं। समझे, कल का पेपर में दिया। पर आपके इलाके में क्या? मेरा इलाका झारखंड नहीं, बता रहे आपको? नहीं, जमशेदपुर की बात। जमशेदपुर में भी यही हाल है। जमशेदपुर में गांव देहात में भी अभी तक शौचालय नहीं बना है, सब गांव देहात में जमीन है, जब बाहर ही जाते हैं, समझे, और सिर्फ पैसे का ही धुनभार हुआ है, कोई सही तरीके से काम नहीं हुआ, पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है, समझे। ODF राज्य घोषित हो गया है, कितना हद तक सही है, यानी घोषित से कितने खुश हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये जो स्वच्छता अभियान है ये पूरी तरह फेल है। हमारे क्षेत्र में खुद जो है एक बड़ा हनुमान मंदिर है, उसके सामने में जो है पूरा अंबार लगा हुआ कचरे का, आप देख रहे हैं स्वर्ण रेखा, ये नदी है, इसके अगल बगल में लोग जो है सुबह सुबह आते हैं शौचालय के लिए। और वैसे भी अभी आप देख लीजिए, शहर में कई जगहों में गंदगी का भरमार है, सिर्फ जनता का मेहनत का जो पैसा है वो प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा है, इस पर लूट हो रही है, और जो है शौचालय बनाने के नाम पर बहुत बड़ी लूट हो रही है। झारखंड राज्य को ODF घोषित कर दिया गया है, कितना हद तक ये सही है? ये सही नहीं है। ये इसलिए सही नहीं है कि अभी भी आप बहुत जगह देखिएगा कि जो है लोग खुला में शौच कर रहे हैं। आपको शहर से थोड़ा सा भी हट के आप देखिएगा तो रेलवे के लाइन के किनारे भी आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे शौच करते हुए, बहुत सा खेत में मिल जाएंगे। तो घर घर में शौचालय बन गया है? ऐसा कुछ नहीं है कि हर घर में शौचालय अभी भी हुआ है, अभी भी शौचालय पूर्णतः नहीं कंप्लीट हो पाया है। तो जमशेदपुर के कई लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि झारखंड जो है वो ODF राज्य बन चुका है। इस वक्त लाला जमी हमारी संवाददाता जमशेदपुर से जुड़ गई हैं। लाला, आपसे जानना चाहेंगे कि जमशेदपुर के लोग तो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि झारखंड ODF राज्य घोषित हो चुका है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान के तहत 2019 में भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया था, वहीं मुख्यमंत्री ने झारखंड को 2018 यानी अक्टूबर को जो है 2 अक्टूबर को खुले से शौच मुक्त करने का अभियान भी छेड़ा था और उसी के तहत यहाँ पे राज्य को ODF घोषित भी कर दिया गया। लेकिन जहाँ पर हम लोगों के पास जाकर के ये जायजा लिया तो हकीकत कुछ और ही था। जहाँ एक तरफ ODF घोषित हो जाता है लेकिन हकीकत देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी जो कहा जा रहा है कि सिर्फ 20% लोगों के घर जो शौचालय बना है और लोग तो वहाँ पे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे 80% लोग के घर शौचालय नहीं है, वो लोग खुले में शौच करने जाते हैं। तो अब और वहीं पे दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई है, हम लोग जब गए तो वहाँ पे पता चलता है कि जहाँ पे अगर शौचालय बन रहा है वो अभी एक बारिश नहीं झेला,
कि वो उसके वो धसना शुरू हो गया है, तो किसी का ईंट गिरना शुरू हो गया, तो इस तरह की हकीकत जो है वो सामने आई। लेकिन जहां पर एक सरकार जो कह रहे हैं कि उनका क्या करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है, तो वहीं पे ये जो जाने के बाद पता चलता है कि आज भी लोग जो ओडीएफ घोषित जो होने के बाद भी लोग खुले में शौच, हकीकत शायद अभी भी कुछ और है और दिखाने की कोशिश कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया लाला फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए, जमशेदपुर से हमारे संवाददाता। तो स्थिति जो है काफी हद तक बदलती हुई भी दिख रही है, लेकिन अभी बदलना बहुत कुछ बाकी है। एक तरफ जहां राज्य सरकार झारखंड राज्य को खुले में शौच मुक्त करने की बात कह रही है और वादे कर रही है कि 70 वर्ष बाद आप झारखंड के सभी शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन झारखंड की राजधानी का नजारा कुछ और ही दिख रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। खुले में शौच को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए राज्य सरकार और विभागीय मंत्री लगातार प्रयासरत हैं और इसके साथ साथ रांची नगर निगम भी अपने स्तर से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में ओडीएफ सिस्टम यानी खुले में शौच से बचने के लिए जगह जगह प्रसाधन केंद्र बनाए हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी से इन केंद्रों के रखरखाव सही से नहीं हो पा रहे। कहीं केंद्र में गंदगी है तो कहीं पानी सप्लाई ही नहीं आ रही। बहुत खराब हो रहा है ना, तो आदमी को चलते फिरते बहुत दिक्कत था। कम इससे जो है आदमी को, आप ही को टॉयलेट लग गया, अब जाके यहाँ तो कर सकते हैं, बहुत फायदा है। हाँ तो सुविधा नहीं है इसलिए जा रहा है, अगर रहेगा तो फिर जो थोड़े जाने लगेगा, फिर तो देखेगा कि इसमें जाने में इज्जत तो है कि नहीं, इसको शर्म नहीं लगता खुले में जाने में, ऐसा बन जाएगा तो वहाँ भी आराम हो जाएगा, आदमी इसी में जाएगा। ये बहुत कम, अगर ऐसा जिसको ऐसा सुविधा है बहुत कम माने कि आदमी जा रहा है, नहीं तो ऐसे तो जहाँ भी अगर मैंने ऐसा लगा दीजिएगा तो वहाँ पर ही आदमी जो है तो इसी में जाए। आदमी को सही जगह पर जाना चाहिए जो ताकि आम जनता को बीमारी न हो और न आम जनता को घृणा लगे, इसके लिए अच्छी सोच लगाइएगा तो हमारा हर घर द्वार भी अच्छा ही रहेगा। अगर हम गंदी सोच में जाएंगे तो हम लोगों का मन भी गंदा रहेगा, तन भी गंदा रहेगा, आगे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों को प्रसाधन केंद्र दे देने से काम नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का प्रयास हो तो गांव घर की बहु बेटियां भी खुले में शौच से मुक्त हो पाएंगी, तभी राज्य के साथ देश भी खुले से शौच मुक्त होगा। वही तो बोल रहा कि पुरुष के लिए का दिया रोड पर, अरे महिला के लिए देते तब ना, महिला लोग को कितना दिक्कत होता है, ये तो सारा हुआ, ये आने जाने वाले को इसे कोई आया तो बोलता है कि कहाँ जाए बाथरूम, बहुत तरह का दिक्कत हो गया है, लैट्रिन बाथरूम जरा जरूरी है, यहाँ तो लोग तो इधर उधर को चल जाता है, औरत लोग कहाँ जाएगा, एक यहाँ पर लैट्रिन जरा जरूरी है। भले ही राज्य सरकार सूबे को खुले में शौच से मुक्ति की बात कर रही हो, पर अभी भी लोग कहीं न कहीं असंतुष्ट दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान कब तक सफल होगा। रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। शौचालय बंद तो गए हैं, लेकिन रखरखाव की कहीं समस्या आ रही है, कहीं पानी की समस्या आ रही है और कई जगहों पर लोग शौचालय जाना ही नहीं चाह रहे। आखिर इनसे कैसे निपटेगी सरकार? मंत्री जी इस मामले को लेकर क्या कहते हैं? झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय और रणधीर सिंह ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। सरकार ने शौचालय बनवाए हैं, हो सकता है कि कहीं कहीं लक्ष्य पूरा नहीं हुआ हो, मगर आमतौर पर लोगों ने ये माना है, जो सूचना मिली है नीचे से, कि उसका लक्ष्य पूरा हो गया है। फिर भी अगर लोग उनका उपयोग करने के बदले खुले मैदान का, नदी किनारे का उपयोग करते हैं तो इसके लिए तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। मैंने अपने क्षेत्र में आज ही एक कमेटी बनाया है जो टोले मोहल्ले में समितियां बनाएंगी और ये समितियां स्वच्छ करने के लिए कहाँ कहाँ गंदगी है उसका अध्ययन करेंगी। रविवार को 1 घंटा 1.5 घंटा वो घूमेंगे और लोग खुले में जा रहे हैं तो उसका कारण पूछेंगे, अगर हमारी व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है तो ठीक से चले इसके लिए प्रयास करेंगे। तो इसके लिए मिलजुल कर सबको प्रयास करना होगा। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो कल ही कहा है कि भाई हजारों मोदी और हजारों गांधी मिलकर
स्वच्छता अभियान को सफल नहीं बना सकते हैं कि जब तक इसमें जनता नहीं जुड़ती है। तो थोड़ा जनता की मनोवृत्ति बदलना पड़ेगा। सरकार ने अपना संकल्प पूरा किया है, अब जनता इसको अपने संस्कार में लाए कि हमको शौचालयों का इस्तेमाल करना है, खुले में शौच करने के लिए बाहर नहीं जाना है। सर, सरकार की प्रयास तो सार्थक है, लेकिन धनबाद में कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो मैला स्थल पे ढो रहे हैं। कल तक मगर उसी अखबार में आज खंडन आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा है के पास सही फीडबैक नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ जगह पे लोग जाते होंगे स्वच्छ होने के बाद, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और जब से इस राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार बनी है, आप देखें 2.5 साल में कितने शौचालय बने हैं इस राज्य में। आज शहर एक तरफ से सोच जो है सो शहर में शौचालय ऑलरेडी बन चुके हैं। गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखुआ हो, चाहे संदाल पंगना हो, चाहे दुमका हो, लगभग मोर देन 75% शौचालय निर्मित हो चुके हैं। हम लोग भी अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं मोर देन 70-75% शौचालय। चंदौरा जिला पूरा ODF की ओर जा रहा है, आपका संथाल पंगना में देवघर जिला भी पिछले लगता है दिसंबर तक ODF हो जाएगा। तो निश्चित रूप से, और जहाँ तक लोग शौचालय बनाने के बाद अगर सोच में नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से इसी हम लोग जागृति अभियान चला रहे हैं। इसलिए जागृति अभियान सर दुमका में देखा गया है कि शौचालय है लेकिन वहाँ पर पानी की कमी है। नहीं, पानी की कमियाँ जहाँ शौचालय हैं तो निश्चित रूप से जो लोग सोच के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से चापाकल है, कुआं से लोग पानी लेके जाते हैं। तो शौच मुक्त झारखंड का सपना मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देखा, ऐलान भी कर दिया कि झारखंड के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वो शौच मुक्त हो गए हैं। लेकिन हकीकत जानने की हमने कोशिश की, कई शहरों के बारे में हमने आपको दिखाया जिसमें देवघर से तस्वीरें जो हम आप तक लेकर आए वो तस्वीरें बेहद सराहनीय हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ JMM महासचिव विनोद पांडे जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड के जो शहरी क्षेत्र हैं वो शौच मुक्त हो चुके हैं खुले में। देखिए, ये सरकार के लिए शौच मुक्त हो चुके हैं और जिस तरह से बड़ा बड़ा आयोजन करके और लोगों को ये बताने का काम किया जा रहा है कि ये राज्य जो है, राज्य के जो शहरी क्षेत्र हैं वो खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। ठीक उसी दिन एक स्थानीय अखबार ने एक तस्वीर छापी थी धनबाद की, और आप लोगों ने भी दिखाया देवघर की तस्वीर, और इस तरह की काफी तस्वीरें अखबारों में और मीडिया में लगातार आ रही है। और उसके बावजूद अगर हम ये मान लें कि मुख्यमंत्री और ये सरकार सही बोल रहे हैं तो हमको लगता है कि इस राज्य के लोगों के साथ में हम बेमानी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम बड़े बड़े होर्डिंग लगा ले रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, बड़ा बड़ा आयोजन कर रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम कहीं ना कहीं निकल करके नहीं आ रहे हैं। इस वक्त प्रतुल शाहदेव जी इस वक्त हमारे साथ BJP प्रवक्ता जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। जी नमस्कार। झारखंड के शहरी क्षेत्र को आपने खुले में शौच मुक्त तो घोषित कर दिया, लेकिन धनबाद से तस्वीरें आती हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज भी लोग सर पे मैला ढोने की प्रथा को जीवंत रखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये सर पे मैले ढोने की जो प्रथा है ये बहुत ही अपने आप में मुझे लगता है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली प्रथा थी। और जहां तक शहरी क्षेत्रों को ODF बनाने की बात है तो ये हमारी सरकार ने ODF बनाया है, और इसमें अगर आप कुछ आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स को पिकअप करेंगे या कुछ अपवादों को करेंगे, मैं मानता हूं कि आप 100% एक दिन में कोई लोगों के जो पूरे विचार है या जो उनका रहन सहन है उसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। कुछ अपवाद हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने सबसे पहले नहीं तो घोषणा में इतनी जल्दबाजी क्यों प्रतुल शाहदेव जी? घोषणा आप टोटैलिटी में देखेंगे ना, नहीं तो इतनी जल्दबाजी क्या थी सरकार को? आप मुझे बोलने देंगे, आपने तो विनोद जी बोल रहे थे उनको बोलने का पूरा मौका दिया, सिर्फ मुझे भी मौका दें। मैं कह रहा हूँ ना कि आप पूरी चीजों को टोटैलिटी में देखेंगे, ये हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। जब हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया था जो उसे पूरा किया, उसके बाद ही हम लोगों ने इसे ODF करार दिया है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपवाद जरूर कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, और ये हमारी सरकार एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, 3.5 लाख स्कूली बच्चों को हम जोड़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल और सरकार के बच्चों, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को
वो ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, उनको स्वच्छता का दूत बना रहे हैं, उनको किताबें दी जा रही हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि कहते हैं बच्चों से ही घर में एक अच्छा वातावरण बनता है। तो हमारी सरकार जो लगातार स्वच्छता कभी देश के मैप में नहीं था, कभी देश की प्रायोरिटी में कभी नहीं था, सबसे पहले केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए किया है। मैं मानता हूं आज भी कि ऐसी अफवाहें होंगी, ऐसी तस्वीरें छपेंगी, लेकिन यकीन मानिए बड़ा परिवर्तन हुआ है और ये और आगे बढ़ेगा। इस वक्त राजेश गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं आप। राजेश जी तस्वीरें बदल रही हैं, हमने जो देवघर की तस्वीर देखी वहां पे देख करके दिल को बहुत सुकून मिला कि वाकई में काम हुआ है। चाहे दुमका की बात कर ली जाए, वहां पे भी शौचालय बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आप मानते हैं कि एक परिवर्तन जो है वो आ रहा है, शौचालय जो खुले में शौच के लिए लोग जाते थे उसको लेकर? देखिए ये एक अच्छी पहल सरकार की रही है, मगर प्रश्न मेरा ये है कि जिस प्रकार ODF घोषित कर देना, सरकार जिस कागज पे चल रही है, जिस ब्रांडिंग पे चल रही है, प्रचार प्रसार पर चल रही है। धनबाद का एक अखबार में हाल में कल ही एक फोटो आया था, या आज ही एक फोटो आया था कि सर पे महिला लेकर घूम रहे हैं, धनबाद की तस्वीर है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ODF घोषित करती है स्वच्छता को लेकर, तो मुझे लगता है कि जहां पर ये शौचालय बनाया जा रहा है, शौचमुक्त की बात करती है, सरकार क्या वहां पर पानी की व्यवस्था कराई है? और जनता इससे नाखुश भी है, क्योंकि सरकार का जो योजना थी उस योजना को आनन फनन में बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते नहीं हैं उनके जमीन पर उनको अलाउड करके बना दिया गया है, ऐसा अखबारों में TV चैनलों में आता रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि जहाँ शौचालय आप बना दिए वहाँ पानी की व्यवस्था अगर ना हो तो फिर वो किस काम का रहेगा, ये तो सरकार को ही बिल्कुल इस पर कई सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पानी ही नहीं पहुंच पा रहा। इस वक्त हमारे साथ हमारे चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। मनमोहन जी, आपसे आपने सुना कि किस तरीके से दावे भी हो रहे हैं, कुछ चीजें हकीकत में भी दिख रही हैं और कई सारे आरोप भी लग रहे हैं इस योजना को ही अगर देख लिया जाए तो। अभिषेक, सबसे पहले तो बात सरकार ने जो काम कर रही है, सरकार जो काम कर रही है कर चुकी है, मतलब कि सरकार ने जल्दबाजी में अगर ODF घोषणा कर दी है तो कहीं वो गलत है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सरकार जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है कि आज के डेट में खुले में अगर शौच मुक्त अगर भारत बनता है, चाहे झारखंड बनता है, तो अपने आप में गर्व की बात है। इसलिए गर्व हम कहेंगे कि अगर हम उसी क्षेत्र से आते हैं और हम उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर हमारा भारत हमारा झारखंड बदल रहा है तो गर्व की बात है। लेकिन ये एक जल्दबाजी है, इसको अभी तुरंत मेरे ख्याल से अभी तुरंत इसको आप ODF घोषित नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक कम से कम जिस तरह से अवेयरनेस की हम बात करें कि आज ODF घोषित करने में इतनी जल्दबाजी क्यों करी सरकार, क्या अभी चुनाव नहीं, चुनाव के रीजन के ले रही, किस वजह से सरकार इतनी जल्दबाजी कर रही है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। अगर काम तो सरकार कर रही है, सरकार को काम करना, और ODF घोषित आपने इतने जल्दबाजी में कर दिया, लेकिन आपने देखा हकीकत, धनबाद में देखा आपने हकीकत, देवघर देखा आपने हकीकत, दुमका देखा आपने हकीकत, जमशेदपुर देखा। देखिए सरकार काम कर रही है उसमें कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन सरकार जल्दबाजी कर रही है अपना नाम लेने के लिए। ये नाम की जो होड़ मची है इसमें इस वक्त ये मचना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव नहीं है अभी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार काम करे तो उनको पूरा करना चाहिए, ODF घोषित करने पर इनको क्या इतनी जल्दबाजी है मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। अगर सरकार काम कर रही है, अगर जिस तरह से हमने बात किया दुमका में वहां पानी की समस्या है, सरकार ने अगर वहां शौचालय बनाया तो पानी की समस्या भी पूरी उनको पूरा करना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार काम कर रही है तो सरकार काबिले तारीफ, उनको हर समय शाबाशी मिलनी चाहिए और मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि ODF घोषित करने जल्दबाजी क्या थी, वही समझ नहीं आ रहा है। प्रतुल जी, जल्दबाजी क्या थी, यही हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या जल्दबाजी? काम सरकार कर रही है, इस बात को हर कोई स्वीकार कर रहा है, आपने पहल की है उसको भी हर कोई स्वीकार कर रहा है, लेकिन ODF घोषित करने की इतनी क्या जल्दबाजी थी कि कई जगहों पे पानी नहीं पहुंच रहा है, कई जगहों पे अभी टारगेट पूरे नहीं हुए हैं और ODF घोषित कर दिया? देखिए जहां जो समस्याएं हैं हम उसका निराकरण कर रहे हैं। पहले मैं आपको आंकड़ों में सिर्फ संक्षेप में बता दूं कि पहले 14 वर्षों में सिर्फ 19,000 शौचालय बने थे, लेकिन हमारी सरकार ने 1,000 दिनों में 2,00,000 से ज्यादा शौचालय का निर्माण करा है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और जो ODF मुक्त करने की बात, मैं फिर से कह रहा हूँ, ODF का जो कंसेप्ट है ना, आपको इसको टोटैलिटी में बड़े पिक्चर में देखना होगा। मैं मानता हूँ कि आइसोलेटेड एग्जांपल्स आज भी हैं। मैंने क्या कहा, लोगों के ये जो जिंदगी के रहन सहन के पूरे 60 वर्षों तक, अभी राजेश जी बता रहे थे
कि हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, ये कर दी। अरे साहब, आपने तो 60 वर्षों तक स्वच्छता को कभी राष्ट्र के मुख्यधारा में नहीं लाया। स्वच्छता कितनी बड़ी चीज है, लेकिन 60 वर्षों तक कांग्रेस ने कभी फोकस नहीं किया। सर, बात राजनीति की नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अभी भी हमारे ये पूरे जो सेटअप है, सिस्टम है, उसमें इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। लेकिन जहां तक ODF घोषित करने की बात है, तो आपको इसको टोटालिटी में देखना होगा। टोटालिटी में ये क्षेत्र ODF हो चुके हैं। कहीं कुछ कोई जो आइसोलेटेड एग्जाम्पल है, हमारे निगम की टीमें जो हैं वहां पे बहुत सख्त निगरानी रखी हुई है, और अब सरकार में अकाउंटेबिलिटी है। जी, अगर विनोद जी के पास जरा सा आना चाहूंगा। विनोद जी, जिस तरीके से देखा जाए, काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई जगहों पे तस्वीरें हमने देखी, काम हुआ है। इस चीज को तो कम से कम GMM स्वीकार करे। विनोद जी, लगता है विनोद जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। राजेश जी, काम हुआ है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। जितने शौचालय जिस तरीके से पिछले 60 सालों जो जिसकी दलील दी जाती है, 60 सालों में नहीं बने, उससे कम वक्त में शौचालय जो हैं काफी ज्यादा बन चुके हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, इनका आदत है 60 साल और 70 साल बोलने का। देश की आजादी कैसे हुई है इनको इनका इतिहास पता नहीं है, या पता भी होगा तो ये बोलना नहीं चाहते, चूंकि पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, ये काम हो रही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि शौचमुक्त करने का एक पहल हुई है, मगर उस पहल के तहत अपनी जो ब्रांडिंग है, अपना चेहरा जो चमकाने का काम सरकार कर रही है, ये लगता है कि हम लगता है बड़ा जल्दीबाजी हो गई है। दूसरी ओर नहीं, तो क्यों नहीं बताएंगे जनता को क्या काम कर रहे हैं? इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं 60 वर्षों तक, तो क्या बताएंगे? राजेश, एक-एक करके प्रतुल जी एक एक कर, आप उन्हें बोल लेने दें। आपके बीच में तो मैंने बोला ही नहीं। जी जी, राजेश जी बोले आप। हाँ, मेरी बातों को खत्म होने दीजिए। शौच मुक्त होना और शौच का ये पहल करना सरकार की मैं तारीफ करता हूँ, ठीक है, इससे मैं नकार नहीं रहा। मगर शौच मुक्त के साथ साथ जिस व्यवस्था के साथ, जिस टेक्नोलॉजी के साथ इसे बनाया गया है, हमें लगता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान का जो पहल की है हमारे प्रधानमंत्री महोदय, ये 6 महीना 1 साल में ये शौचालय का जो हाल होगा, ये जो शौचमुक्त की बात कर रहे हैं, तो ये पूरे राज्य की नहीं, पूरे देश में 12,000 रुपये में एक शौचालय का निर्माण होना, उसमें एक टैंक लगा के 6 महीना 7 महीना में वो जब भर जाएगा, उस गरीब के यहाँ क्या स्थिति होगी, ये तो फिर सरकार ही बताएंगे। राजेश जी इसका जवाब दे रहे हैं। प्रतुल जी, देखिए, राजेश जी को क्या आदत है ना, सब वो अपने कांग्रेस वाले चश्मे से देखते हैं। 60 वर्षों में इन्होंने जो भी कार्य किया उसको इस तरीके से किया कि वो 6 महीने भी नहीं चलता था। वो हमारी सरकार ऐसी नहीं है, और ये ज्योतिषी कैसे बन गए कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है ये इन्हें पता है। सब बहुत ठोक पिट के बन रहा है। और हम ये भी बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र की योजना है, उसमें जो भी झारखंड में घर बन रहे हैं, हम सबको 12,500 रुपये शौचालय के लिए निर्माण के लिए अलग से दे रहे हैं। तो हमारी सरकार का स्वच्छता पर बड़ा फोकस है। और मैंने फिर से कहा, 3.5 से 3.5 लाख बच्चे जब ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, तो चलिए वो बनेंगे, तब की तस्वीर भी हम देखेंगे। मनमोहन जी, आखिर में आपसे जरा सा चाहेंगे कि इसका कंक्लूजन दे, क्योंकि जिस तरीके से आरोप ये लग रहे हैं, जल्दबाजी की गई, ब्रांडिंग की जा रही है, अभिषेक आरोप और प्रत्यारोप की मैं बात नहीं करूंगा। हम ये बात करके, अगर सरकार काम कर रही है तो काबिले तारीफ है, उनको शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ODF घोषित, जिस तरह से अभी पूरे झारखंड में शौच मुक्त, हम खुले में शौच मुक्त अगर हम बनाने में अभी अगर नाकाम घोषित हो रहे हैं, तो उस जगह पर तुरंत हम, मैं चाहता हूँ कि उस जगह पर ODF के लिए आप ये ना बोले झारखंड ODF घोषित हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सबसे बड़ी यहाँ पर कमजोरी क्या दीपक, अगर जो चीज हम बना रहे हैं अभिषेक, उस पर हम कितना अमल कर पा रहे हैं, हम क्या उस पूरे अमल को करने पर, हम पूरे कारगुजार जितने निगम की हम बात करें, क्या उस पर अमल कर रही है? अवेयरनेस की कमी है, यहाँ पर अवेयरनेस भी देखनी होगी, क्योंकि आप वो जागरूकता आपको फैलानी पड़ेगी। अगर आपने किसी को 12,000 रुपए दिया तो आपको बताना पड़ेगा, ये जगह जगह ये टीम बनानी पड़ेगी, तब जाकर के शायद ये ODF घोषित करने में हम कामयाब हो सकते हैं। हम इसी तरह ब्रांडिंग कर दे कि हम ODF घोषित हो गए, झारखंड ODF घोषित हो, तो आपने हालात देखे, धनबाद के हालात आपने देखा, आज भी लोग मैला ढो रहे हैं। ठीक है, हम इक्का दुक्का बोल सकते, हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा सरकार इतनी जल्दबाजी ना करे। अभी चुनाव में टाइम है, 2 साल है अभी चुनाव में, इतनी जल्दबाजी ना करे ODF घोषित करने में। आप 3 लाख बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, हम भी वेट करेंगे, हम भी उसका वो भी देखेंगे, लेकिन आज जो हालात हमने वो दिखाया, उस हालात पर जवाब यही है कि आपने काम किया है, आपको शाबाशी है, लेकिन उस काम के अलावा अगर उस जगह पर कहीं गंदगी और होड़ मचा हुआ स्वच्छता को लेकर के, तो उसमें आपकी जवाबदेही बनती है। और जवाबदेही यही है कि आप इतने जल्दी सरकार में, ये सरकार को सूचना
सूचना दे। आप प्रवक्ता है कि आप उस जगह पर आप ओडीएफ घोषित ना करें जब तक वो पूर्ण रूप से ना हो जाए, आप तुरंत जल्दबाजी करके ना काम करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ राजेश जी, विनोद जी और प्रतुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल सिर्फ यही उठ रहा है कि जल्दबाजी क्या थी, चुनाव तो अभी है नहीं लेकिन तस्वीर बदलनी शुरू हुई है और इसमें पूरा बदलने में वक्त लगेगा, ये जरूर है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।